बॉलीवुड के किंग यानी सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 15 दिन यानी कि दूसरा हफ्ता खत्म कर रही है। ये फिल्म 7 सितंबर यानी गुरुवार के दिन रिलीज हुई थी। यही वजह है कि इस फिल्म के पास 8 दिनों का पहला वीक था और अपने दूसरे हफ्ते में 7 दिनों की कमाई के साथ ये फिल्म 15 दिन आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पूरे कर चुकी है। और इन 15 दिनों में इस फिल्म ने इंडिया से और दुनिया भर से अभी तक कितने करोड़ की कमाई कर ली है, किन किन फिल्मों को इस फिल्म ने आज पीछे कर दिया है, ये आज हम जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म है जवान, जिसके लीड में आपको शाहरुख खान, नयनतारा, दीपिका पादुकोण और विजय सेतुपति नजर आए हैं। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जिससे कि बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 65 करोड़ रुपए कमाई हिंदी में और 75 करोड़ रुपए की कमाई नेट बॉक्स ऑफिस पर तमिल और तेलुगु को मिलाकर हुई थी। ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले, क्रिटिक्स ने भी अच्छी रेटिंग्स दी। यही वजह है कि शाहरुख खान की इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 390 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया था, तो वहीं दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म लगभग 693 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। शाहरुख खान की इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से शानदार रिव्यूज मिले हैं। तो बताते चले आपको कि शाहरुख खान की ये फिल्म आज अपने 15वें दिन यानी कि अपने दूसरे हफ्ते के एंडिंग में भी काफी स्ट्रॉन्ग नोट के साथ कर रही है और आज की इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ऑफिशियल है तो वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस जहां पर 1,80,00,000 रुपए की है, तो वहीं मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की 12 से 16% की है। ऑडियंस को आज भी सिनेमा घरों में देखने जा रही है और यही वजह है कि ये फिल्म आज अपने 15वें दिन के कलेक्शन हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 6.5 से 7 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, वहीं तेलुगु और तमिल को मिलाकर ये फिल्म आज लगभग 80,00,000 रुपए कमा रही है। यानी कि इस फिल्म के आज के भी कलेक्शंस लगभग 8,50,00,000 रुपए के आंकड़े को टच कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का टोटल लगभग 527 करोड़ रुपए का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हो चुका है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के कलेक्शंस की बात की जाए तो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ने 13 दिनों में 907 करोड़ रुपए कमा लिए थे। कल के इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो दुनिया भर में लगभग 20 करोड़ रुपए रहे। वहीं आज के कलेक्शंस के साथ ही ये फिल्म 950 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है। शाहरुख खान की ये फिल्म इंडिया में तो पठान से भी ज्यादा अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन ओवरसीज में इस फिल्म के जो कलेक्शंस पठान से कम कमाई करने में कामयाब रहे, लेकिन ओवरसीज में इस फिल्म के कलेक्शंस कम हो रहे हैं। ऐसे में ये फिल्म बॉलीवुड इतिहास के सेकंड बिगेस्ट ग्रोसर सिर्फ अपने 15 ही दिनों में बन चुकी है, लेकिन ये फिल्म अभी भी इंडियन सिनेमा की 5th हाईएस्ट ग्रोसर बनी हुई है। इस फिल्म के आगे आज भी दंगल, बाहुबली 2, RRR, KGF चैप्टर 2 और पठान जैसी फिल्में हैं। उम्मीदें हैं कि पठान को तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पीछे कर देगी, लेकिन क्या ये फिल्म RRR और KGF चैप्टर 2 को पीछे कर पाएगी या नहीं? इस हफ्ते इस फिल्म के सामने कई सारी बड़ी फिल्में रिलीज होगी। हालांकि अभी तक ये फिल्म सलमान खान की सभी बड़ी फिल्मों को आमिर खान की भी सभी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। अगर दंगल के चाइना कलेक्शंस को हटा दिया जाए तो दंगल को भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पीछे कर चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या जवान टॉप 3 ग्रॉसर में अपना नाम दर्ज करा पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और फिल्मों से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें।